हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम सोम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें कि हम सेकंड चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करा दीजिए, तो आप सबकी डिमांड पर आज हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें जो आपके थ्योरी पार्ट में छोटे छोटे दो टॉपिक बचे हुए हैं, उन्हें हम न्यूमेरिकल के जस्ट बाद ही कर लेंगे। कुछ बचेगा नहीं आपका, बट थोड़ा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप करने के लिए पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो होंगे आपके टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, जिसमें कि आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन इलोंगेशन, यानी प्रतिबल विकृति और लंबाई में परिवर्तन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिसके कि फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। एक तो मैंने आपको थ्योरी जब पढ़ा रहा था तब भी इसके फॉर्मूले समझाए थे, इसके अलावा मैंने आपके लिए पहले भी लिख दिया। केवल इन चार फॉर्मूलों का यूज होगा सभी क्वेश्चंस में, लगभग 10 से 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इसमें, इस टॉपिक पर आधारित। उसके बाद अदर टॉपिक पर करेंगे हम क्वेश्चंस, बट उससे पहले आप इन फॉर्मूलों को एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पहला स्ट्रेस का फॉर्मूला है, आप सभी अच्छे से जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी सिग्मा बराबर एफ अपॉन ए होता है, ठीक है। दूसरा स्ट्रेन का फॉर्मूला भी आप सभी जानते हैं, विकृति जो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है, यानी स्मॉल ई बराबर हो जाता है डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, ये भी आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा तीसरा आपको हुक्स लॉ याद रखना है, जो सिग्मा और ई दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ से जब इसको बराबर करते हैं तो यहाँ एक कैपिटल ई आ जाता है, जिसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, क्लियर ना। और इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए। तो ये आपको चार फॉर्मूले बेसिक से, पहला सिग्मा बराबर एफ अपॉन ए, दूसरा ई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल, तीसरा सिग्मा बराबर ई इंटू स्मॉल ई, और चौथा डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए। ये चार फॉर्मूले बार बार यूज करने पड़ेंगे क्वेश्चंस में आपको, तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से जो भी स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो वे सभी कमेंट्स जरूर करेंगे कि आप सिविल से हैं, सिर्फ आपको लिखना है कि आप सिविल से हैं। तो उसी के साथ मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इस समय हमारे पास सिविल के उपलब्ध हैं, जिससे कि मैं आप सभी को सिविल का एक नया सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, मुश्किल से 10 से 15 लेक्चर में पूरा सीटी आपको अच्छे से कवर करा दूंगा मैं, और दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, बहुत अच्छे वे में कवर करेंगे उसको भी। तो एक बार ही आप सभी कमेंट कर दें, अभी वीडियो को रोक के पहले कमेंट कीजिए, वरना भूल जाएंगे बाद में फिर कि आप लोग सिविल से कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आपको सीटी भी स्टार्ट कर दूंगा, थ्योरी पार्ट है इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबका काम है अभी कीजिए कमेंट इसके लिए, ठीक है। एंड इसमें जो भी कुछ बचा सब कुछ हो जाएगा, पहले हम आज न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बार आप इन फॉर्मुलों को लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस को शुरू करता हूं, ठीक है। चलिए तो इसको रफ करते हैं और लिखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में ही लिखा है, अगर मैं इंग्लिश में भी लिखता तो फिर पूरा बोर्ड क्वेश्चन लिखने में ही भर जाता, सॉल्व करने के लिए जगह नहीं बचती, इसलिए मैं आपको अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा इंग्लिश में, ठीक है, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपकी बुक में जो इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे सेम यही होंगे, बस मैं आपको टर्म टेक्निकल टर्म अभी जस्ट बताने वाला हूँ इंग्लिश में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझेंगे ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको सॉल्व किस तरह करना है एग्जाम में, आपका कन्वेंशनल एग्जाम होगा। पहले आप लोग लिखेंगे गिवन डेटा, क्या लिखेंगे, गिवन डेटा, हिंदी वाले बच्चे बोल सकते हैं दिया है, क्या दिया है, इसमें बोला है एक 4 मीटर लंबी लोहे की छड़ है, यानी लोहे की छड़ की लंबाई दे रखी है दोस्त, क्या दे रखी है, लंबाई, हिंदी में तो बोलेंगे लंबाई, इंग्लिश में बोलेंगे आप लोग लेंथ, क्या बोलेंगे, लेंथ। तो आपको लेंथ दे रखी है, जिसे हम एल से डिनोट कर लेते हैं लेंथ को, कितनी दी है दोस्त लेंथ, 4 मीटर दे रखी है, इतना समझ आया। आगे बोला इसका सेक्शन दे रखा है 3 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का, सेक्शन कितना है 3 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, यानी सेक्शन है इसका, सेक्शन कितना है दोस्तों 3 सेंटीमीटर इंटू में 2 सेंटीमीटर। यहां से हमें एरिया मिल सकता है इसका, आप चाहे तो एरिया साथ में निकाल दीजिए, जिसको ए इक्वल टू बोल देंगे, कितना 3 × 2 = 6 हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे पढ़िए क्या लिखा है, इस पर 50 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव बल लगा हुआ है, यानी एक्सियल टेंसाइल फोर्स, क्या एक्सियल टेंसाइल फोर्स, एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है एफ, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन का बल लगा हुआ है, समझ पा रहे हैं सभी। इसके बाद आगे लिखा है प्रतिबल निकालिए, क्या बताना है आपको, प्रतिबल, प्रतिबल यानी हिंदी में बोलते हैं इसे स्ट्रेस, एक तो आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, सिंबल इसका सिग्मा होता है दोस्त,
स्ट्रेस बताना है, दूसरा विकृति बताना है, विकृति बताना है आपको इसमें, विकृति यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ये बताना है। इसके बाद छड़ की लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, इलोंगेशन जिसे कहते हैं, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि यानी इंग्लिश में बोलते हैं ना आप लोग इलोंगेशन, इलोंगेशन भी हमें यहाँ बताना है जिसे हम डेल्टा एल बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट ई की वैल्यू दे रखी है 2×10^5, ई कितना दिया है 2×10^5 न्यूटन पर mm². अब मैं यहाँ पर, ये तो हो गया कि क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपको, ठीक है, इधर मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। इंग्लिश वाले बच्चों को भी अब इजीली समझ में आ गया होगा, कोई भी एक रॉड थी जिसकी लेंथ 4 मीटर है, उसका क्रॉस सेक्शन दिया है 3 cm x 2 cm, मतलब 3 cm इसकी चौड़ाई है, 2 cm इसकी गहराई है, एरिया निकाल दिया कैलकुलेट करके 6 cm² आ गया, एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है इस पर, मतलब फोर्स लगा के इसे खींच रहे हैं, 50 kN का फोर्स लगा रखा है, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, इलोंगेशन कैलकुलेट करना है, और ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। पहला फॉर्मूला स्ट्रेस का आपको यहाँ पर लगाना है, आप सभी जानते हैं पहली चीज़ निकालना है क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सभी को समझ आ रहा है इतना। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर नोट में आपको अलग से लिखवा रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग जरूर लिख लेना दोस्त, ये आपको काफ़ी काम देगा, ठीक है। जब भी आप दोस्त फोर्स लेंगे, फोर्स हमेशा ध्यान रखना, फोर्स को आपको न्यूटन में लेना, किस में लेना, न्यूटन में। अगर क्वेश्चन में किलो न्यूटन लिखा है तो आपको 10^3 से कर देना है मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 kN में 10^3 न्यूटन होता है, पहले ही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग बता के दिक्कत ना हो। जितनी भी इसमें दोस्त डिस्टेंस आएंगी, डिस्टेंस मतलब दूरी, जितनी भी दूरी आएंगी सभी दूरियों को आप mm में लिखेंगे, किसमें, mm में। अगर आपको मीटर लिखा हुआ है तो 1 m में 10^3 हो जाता है दोस्त mm, मिलीमीटर कहते हैं mm को, ठीक है, ये चीज़ें स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और जहाँ कहीं भी सेंटीमीटर लिखा होगा वहाँ पर 10 mm हो जाएगा, 1 cm में 10 mm होता है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना। केवल 3 पॉइंट, किलो न्यूटन होगा तो 10^3 से मल्टीप्लाई कर देना न्यूटन में करने के लिए, मीटर होगा 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे mm करने के लिए, सेंटीमीटर होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे mm करने के लिए। क्लियर हो रहा है सभी को ये? चलिए तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ के, अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस इक्वल टू, अच्छा इन सभी के आपको यूनिट भी याद रखनी है, फोर्स न्यूटन में होता है, एरिया को आपको mm² में लेना होगा जब सॉल्व करेंगे तब, ठीक है, स्ट्रेस न्यूटन पर mm² में आएगा, जो कि ई की यूनिट यहाँ दे रखी है, क्लियर ना। फोर्स की वैल्यू देखिए कितनी है, फोर्स की वैल्यू किधर है, ये रहा 50 kN। अभी आपको क्या बताया दोस्त, अगर किलो न्यूटन होगा तो 10^3 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन बना लीजिएगा, 10^3 से मल्टीप्लाई किया, अब ये क्या हो गया, न्यूटन हो गया, अपॉन में एरिया कितना है, 6 cm² है, अभी क्या बताया आपको, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के प्लेस पे mm करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, ये 10 mm लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर भी ये न्यूटन में हो गया है। यहाँ तक समझ पा रहा है, कुछ नहीं किया, फोर्स की वैल्यू थी 50 kN, 50×10^3 कर दिया न्यूटन करने के लिए, ऐसे ये 6 cm² था तो 6 लिखा और सेंटीमीटर के प्लेस पे लिख दिया 10 mm, यहाँ स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर था तो। अब यहाँ से सिग्मा कितना आ गया दोस्त, ये आ गया 50×10^3 अपॉन में ये हो जाएगा 6×10^2 हो जाएगा, 10^2 ये हो गया न्यूटन, ऊपर हो गया, नीचे हो गया mm², इतना बताइए, समझ आ रहा है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा, आपको कैलसी से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ये तो ये कट जाएगी, दो पावर कट जाएगी यहाँ से, केवल बचेगा ऊपर 500 में 6 से डिवाइड कर दो, कितने में, 500 में करना है 6 से डिवाइड, तो आ गया आपका 83.33 इतना न्यूटन पर mm², आपका दोस्त एक आंसर मिल चुका है, ठीक है, एक आंसर आपका आ गया, पहला आंसर, इतना बताइए, सभी को समझ आया। अब दूसरा निकालना है आपको स्मॉल ई, और मैंने हुक्स लॉ में बताया था सिग्मा स्मॉल ई और कैपिटल ई में रिलेशन, वहाँ से आप इजीली स्मॉल ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर सकूँ, ठीक है, हटाएं इसको। चलिए दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, दूसरा क्या पूछा है आपसे, स्ट्रेन पूछा है, सेकेंड आपसे पूछा है स्ट्रेन, ठीक, जिसे हम स्मॉल ई बोलते हैं, हम सब ने पढ़ा है हुक्सलों में क्या, सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई हो जाता है, इसको इधर ले आएंगे तो स्मॉल ई का फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन कैपिटल ई, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, सिग्मा अभी आपने निकाला है 83.33 अपॉन में आपने कैपिटल ई निकाल दे रखा है कि उसमें 2×10^5, समझ पा रहे हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए आप कैलकुलेटर से, तो
तो सिंपल कैसे करेंगे, देखो ध्यान रखना आपको थोड़ा सा, जब भी नीचे मल्टीप्लाई में दो अलग अलग डिजिट दे रखे हो तो आपको ब्रैकेट का यूज करना है, 83.33 डिवाइड लगा के ब्रैकेट यूज करना, लिख देना 2 इंटू में 10 की पावर 5, ठीक है, इस तरह से, समझ पा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के इक्वल करने पर 4 इंटू वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी 4 और इंटू में 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। और स्मॉल ई जो होता है दोस्त यूनिट लेस होता है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, चार स्थान आगे ले जाओ इसको 0.1230 या 416 इतना भी आप बोल सकते हैं इसको। ये दोस्तों आपका सेकंड आंसर हो गया, क्या हो गया दूसरा आंसर, एक बारी दोनों आंसर देख लेता हूँ, पहला 83.33 आ रहा है, दूसरा 4.16 10 की पावर माइनस 4 आ रहा है, वेरी गुड, यही दोनों आंसर थे, एक ये दे रखा है एक दे रखा है बुक में, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तीसरा क्या पूछा है दोस्त, इलोंगेशन पूछा है, हटा दें इसको भी, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए तीसरा, देखिए बस इसी तरह समझते चलना, साथ साथ आप हो सके तो नोट्स बनाते रहिए प्लीज करके, है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इलोंगेशन डेल्टा एल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एफ एल अपॉन ए ई होता है, ठीक है, एफ मतलब फोर्स की वैल्यू, फोर्स कितना है यहाँ पर, आप इसको इजीली इससे भी निकाल सकते हैं, ई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल होता है ना, ई पता चल गया आपको, एल भी पता है, इसको इधर ले जाकर डेल्टा एल भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम बेसिक फॉर्मूले से निकाल रहे हैं जो हम पढ़े हैं, ताकि ये फॉर्मूला भी आपका याद हो जाए और आपको यूज करना भी समझ में आ जाए, इससे भी निकाल सकते हैं, आंसर गलत नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल एफ की वैल्यू कितनी है, 50 किलो न्यूटन, तो 50 किलो न्यूटन को न्यूटन में करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, इंटू लेंथ कितनी है दोस्त 4 मीटर है, तो 4 × 10 की पावर 3 कर देंगे mm करने के लिए, बताया था ना आप सभी को, अपॉन में देखिए एरिया कितना है, 6 है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो mm² के लिए 10 की पावर 2 हो जाएगा ये। e की वैल्यू कितनी है, 2 × 10 की पावर 5 है, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, ठीक है, एक तो आप पावर्स कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर कितनी पावर है, 3, 3, 6 और 1, 0, ये 7 पावर, और 7 पावर पूरी पूरी कैंसिल कर दो ये वाली, ठीक है। तो ऊपर कितना बच गया, 5 तो ये बचा, 4 ये, 4, 5 का गुणा कीजिए 20 हो गया, नीचे कितना बचा 6 का और 2 का 12 बचा सिर्फ, सॉल्व कर लीजिए 20/12 कितना आएगा, ये हो गया 20/12 1.666, तो 1.67 लिख देते हैं हम इसको, ये भी लेंथ होता है तो mm में लिखेंगे, तो 1.67 mm आ रहा है आंसर, बिल्कुल राइट है, ठीक है, यही आ रहा है। तो हमने इजीली तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, आसान क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ दे रखा था पहले से आपको क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, थोड़े से अब इससे अलग लेवल के क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्त कर लेंगे सभी। एक ही चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जो भी फोर्स होंगे सभी को न्यूटन में लेना है, जितनी डिस्टेंस आएंगे सभी को mm में लेंगे आप, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें आप लोग, इसको रफ करते हैं, मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक इस्पात के तार द्वारा 2.5 किलो न्यूटन भार को उठाना है, मतलब स्टील का एक वायर है और आपको उसकी हेल्प से लोड उठाना है, उसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 किलो न्यूटन। देखिए यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे हों या इंग्लिश वाले बच्चे हों, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, सिर्फ जो भी डेटा दिया है उसके पास वाली वैल्यू देख लो किस चीज़ की है, यानी 2.5 किलो न्यूटन क्या दिया है दोस्तों, भार दे रखा है। यहाँ पर भार को हम फोर्स की तरह ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, हालांकि डिफरेंस होता है भार में और फोर्स में, फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, भार हमेशा अर्थ के द्वारा लगाया जाता है ना, पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो वो क्या होता है, उस वस्तु का भार होता है जिसके कारण उसे अर्थ की तरफ पृथ्वी खींचती है, लेकिन यहाँ भार को भी हम क्या करेंगे, फोर्स की तरह ही कंसीडर करेंगे। तो आपको यहाँ से क्या दे दिया, पहली चीज़ गिवन डेटा लिखना आप लोग इसी तरह से, गिवन डेटा में आपको भार दे रखा है, भार को इंग्लिश में लोड कहते हैं, और यहाँ इसको हम फोर्स F की तरह ही कंसीडर करेंगे। F कितना दिया आपको, 2.5 किलो न्यूटन दे रखा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, तार का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए, व्यास कहते हैं डायामीटर को, ठीक है। आपको क्या पूछा है इसमें, व्यास पूछा है, व्यास मतलब इंग्लिश में डायामीटर आपसे पूछा गया है, डायामीटर, क्लियर, स्मॉल डी से डिनोट कर दे रहे हैं। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आगे बोला है जिससे उसमें प्रतिबल 100 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अधिक ना हो, यहाँ क्या दे दिया, प्रतिबल कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में स्ट्रेस को, प्रतिबल, ठीक है, स्ट्रेस, यानी इसमें स्ट्रेस कितना ना हो, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, 100 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इससे अधिक नहीं होना चाहिए स्ट्रेस, ठीक है। अधिक कम से मतलब नहीं, हमें केवल वैल्यू चाहिए, ठीक है।
आगे देखो, तार की लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, लंबाई मतलब दोस्त लेंथ हो गया, तार की लेंथ, ठीक है, जैसे एल से डिनोट करेंगे, कितना 5 मीटर आपको दिया गया है। अगेन पढ़िए, तार की बढ़ोतरी को भी ज्ञात कीजिए, बढ़ोतरी मतलब वृद्धि बतानी है, तार में वृद्धि कितनी है, तार में वृद्धि से मतलब तार की लंबाई में वृद्धि, किस में, तार की लंबाई में वृद्धि, बढ़ोतरी मतलब होता है वृद्धि, इंग्लिश में सेम वर्ड इलोंगेशन, यानी हमें यहाँ से इलोंगेशन भी बताना है, डेल्टा एल भी यहाँ से कैलकुलेट करके हमें बताना है, इतना सा क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है। ई की वैल्यू दे रखी है 2×10^5, इसे यहीं लिखा रहने देते हैं, यूज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज आपसे पूछा है व्यास, और व्यास आता है हमेशा एरिया में, ठीक है, किस में आता है, एरिया में। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी स्टील का जो वायर था वो इस तरह से कुछ मोटाई का था, एक तरह से रॉड होनी चाहिए थी कोई, ये वाली, और आपको इसका क्या बताना है, डायमीटर व्यास बताना था, डी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको एरिया के फॉर्मूले में व्यास आता था, आपको एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कई बार लिखवाया था, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, क्या होता है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, आप सबने सर्किल का एरिया पढ़ा है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, और आर जो होता है क्या होता है, ये डायमीटर का आधा होता है, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होती है। जब यहाँ से आप निकालेंगे तो डी स्क्वायर और दो का स्क्वायर चार होता है, इसलिए पाई बाई फोर डी स्क्वायर, आपको रेडियस की फॉर्म में याद नहीं करना है, सीधे डाया की फॉर्म में याद करना है, ठीक है। तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर करके याद रखेंगे सभी दोस्त, इतना क्लियर हुआ। तो अब हमें मेन चाहिए एरिया, दे क्या रखा है आपको, फोर्स दे रखा है, स्ट्रेस दे रखा है, तो स्ट्रेस दे रखा है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दो, वी नो डेट स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इस एरिया को इधर ले आओ, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स और अपॉन में यहाँ आ गया सिग्मा, इतना सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, फोर्स की वैल्यू यहाँ रखिए, सिग्मा की वैल्यू रखिए, एरिया की जगह पे एरिया का फॉर्मूला रख दो, डी निकल जाएगा इजीली। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 2.5, ये दोस्त किलो न्यूटन है, न्यूटन के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको बता रखा है। स्ट्रेस भी किलो न्यूटन में था यहाँ, तो 100, यहाँ भी 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो गया, तो यहाँ से जो डाया की वैल्यू मिलेगी mm में मिलेगी, समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। अब इस 4 को इधर ले आओ, पाई को नीचे, तो यहाँ से क्या आ गया, डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया दोस्त, पावर कट जाएगी, यहाँ हो गया 2.5, ये 4 आ गया ऊपर, और नीचे ये 100 पहले से था, और ये पाई आ गया नीचे, ये चीज़ सभी को समझ आ रही है, ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों, ये 4 ऊपर चला गया, यहाँ पर पाई नीचे आ गया, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करके इसका रूट निकाल दीजिए, तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ एक बारी। अब आपको पाई की वैल्यू यहाँ कोई पुट नहीं करेगा, 3.14 कोई वैल्यू नहीं रखेगा, आपके पास कैलकुलेटर है, इसमें वैल्यू होती है पाई, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2.5×4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल कर दिया 10 आ गया, डिवाइड करना ब्रैकेट के साथ करना 100 पाई, 100 इंटू में शिफ्ट के साथ दबाना पाई वाला, ठीक है, ये रहा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये वैल्यू आ गई आपकी डी स्क्वायर की वैल्यू। अब डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो हम रूट करके आंसर करके इक्वल कर लेंगे, तो आपको ये मिल गई वैल्यू, डायमीटर मिल गया आपको दोस्त, डी इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी, 0.0178 इतना mm, ये आ गया डायमीटर, ये आंसर हो गया आपका पहला, इतना बताइए सभी को समझ आ रहा है। यहाँ से कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली करनी है इससे कैलकुलेटर से, अगर जिन बच्चों को कैलकुलेटर का यूज नहीं आता है, मैंने सिखा रखा है, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे उसका, वहाँ से देख लीजिएगा, और चैनल पर भी क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है, हाउ टू यूज़ द कैसियो या कैलकुलेटर लिखा होगा उसमें, क्लियर ना। चलिए ये समझ आ गया सभी को, एक बार आंसर देख लें, 0.178 बिल्कुल राइट आंसर है mm में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको इलोंगेशन निकालना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके इलोंगेशन भी निकाल देता हूँ। देखिए इलोंगेशन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं अच्छे से, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ई, ठीक है, आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आप ए ई बन जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका फल प्राप्त होगा। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ 2.5 है, ये किलो न्यूटन में है, न्यूटन करने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई। लेंथ कितनी है दोस्त, लेंथ 5 मीटर है, इसको भी mm करने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखना है फोर्स हमेशा न्यूटन में, डिस्टेंस जितनी भी है सभी को mm में लेना है। अपॉन में एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया आप यहां से निकाल सकते हैं, आपको डायमीटर मिल गया ना, इसकी हेल्प से आप यहां पर एरिया निकाल देंगे, कर लेंगे ना। यहां पर एरिया की वैल्यू आपके सामने यहां रख देता हूं, यहां से निकाल के पाई बाई फोर, और डाया कितना था 0.178 है, मैं 18 ले ले रहा हूं, ठीक है, 18 इसका स्क्वायर। देखिए क्या आ रहा है एरिया, एरिया आ जाएगा यहाँ से आपको पाई बाई फोर इंटू में 0.18 का स्क्वायर, ये आ रहा है यहाँ से हमारा,
0.02544 आ रहा है, केवल इतना लिख लेंगे mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए इसको 0.025 इंटू में e की वैल्यू 2×10^5 है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एल। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ऊपर वाली जो वैल्यू, पहला पावर्स काट लो, 3, 3, 6 होती हैं, 5 पावर कट जाएंगे यहाँ से, 3 तो ये कट गई और 2 ये, केवल एक बचेगा, ठीक है। अब जो रह गया उसको टाइप कर लीजिए, 2.5 इंटू में 10 बचा और इंटू में कितना 5 है, इसको डिवाइड कर देंगे ब्रैकेट के साथ, 0.025 और इंटू में 2, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। जो वैल्यू आ रही है 2500 आ रही है, कितनी 2500, डेल्टा एल है ये, दूरी है mm में लेंगे इसको, ठीक है। इलोंगेशन 2500 आया, जो कि एकदम राइट आंसर है। क्लियर ना, सभी को समझ आ रहा है दोस्त? आपकी बुक में थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, 2456 दे रखा है इसको, लेकिन राइट आंसर 2500 ही आएगा। खुद से भी इसको चेक कर लीजिएगा करके, ठीक है। समझ आ गया सभी को? बहुत ज़्यादा इलोंगेशन आया है इसमें, तो इसको रफ करते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आप इसको एक बार इजीली समझ लीजिए। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन है, जो अभी मैंने लास्ट दो क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल सिंपल उसी पे बेस्ड है। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इसका डेटा लिख देता हूँ ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ आ सके क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले आप गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा में क्या दिया, इस्पात की 2 सेंटीमीटर ब्यास की गोल छड़, यानी इसका ब्यास दे दिया। ब्यास मतलब दोस्त डायमीटर होता है, ब्यास मतलब डायमीटर। आपको सिर्फ गिवन डेटा को देख के क्वेश्चन कर लेना है इजीली। डाया दिया कितना, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अलावा बोला गोल छड़ पर 30 किलो न्यूटन का तनन बल या भार लगा है। तनन बल कहते हैं दोस्त टेंसाइल फोर्स को, तनन बल इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेंसाइल फोर्स। हम सिर्फ एफ यूज कर लेंगे यहाँ पर, एफ कितना दिया है 30 किलो न्यूटन, ठीक है 30 किलो। अब ये मत कहिएगा आपने टेंसाइल फोर्स को टी क्यों नहीं बोला, ये की मतलब है, एफ बोलो या टी बोलो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आगे बोला है फिर क्षण में तनन प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, तनन प्रतिबल। सिंपल सा क्वेश्चन, टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है पहली चीज, टेंसाइल स्ट्रेस बताना है कितना होगा, मतलब सिग्मा बताना है कितना होगा, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें। आगे बोला है छड़ की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो। छड़ की लंबाई मतलब दोस्त लेंथ होता है, लंबाई मतलब क्या है लेंथ, यानी एल की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो क्या बोला है वो, तो छड़ की लंबाई में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। लंबाई में वृद्धि मतलब इलोंगेशन, इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन यानी डेल्टा एल भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आप सबके लिए होमवर्क है, इजीली कर लेंगे आप। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या होता है दोस्त फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, एरिया ब्यास दे रखा है, यहाँ से निकाल देंगे एरिया पाई बाई 4d² से, बता दे रहा हूँ आपके हिंट के लिए, एरिया निकाल के यहाँ रखना है, स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। एंड डेल्टा एल का फॉर्मूला भी आप सबने पढ़ा है, FL अपॉन AE। एरिया आपको यहाँ मिल ही चुका होगा, फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है, ई की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इजीली इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, ये कैलकुलेशन आप खुद से करके देखेंगे। तो स्ट्रेस आ रहा है 95.5, सिग्मा की जो वैल्यू आ रही है 95.5 है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ये आपको खुद से करना है, ठीक है, नहीं भी होता तो आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। और डेल्टा एल आ रहा है 0.0000 1432, इतना mm आ रहा है, ठीक है, डेल्टा एल। तो आपको ये दोनों कैलकुलेट करना है, कोशिश कीजिएगा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं करा दूंगा आप सभी को, ठीक है। अब थोड़ा सा डायग्राम वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जिसमें कुछ सेक्शन आपको दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक से ज़्यादा सेक्शन जब एक साथ जुड़े होंगे तो उसमें इलोंगेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन जो भी कैलकुलेट करना है उसकी बात करते हैं। इसको रफ करता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, और इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, UPBT 2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए थे उनसे थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या बोला है, एक 550 mm लंबी तांबे की रॉड है कोई, यानी कोई भी तांबे की रॉड है, ठीक है, कॉपर की रॉड है कोई, और उसकी लेंथ आपको दे रखी है 550 mm, ठीक है। बोला है जिसका 200 mm ब्यास वाला जो हिस्सा है, मतलब पार्ट है इसका, वो तो 30 mm, मतलब 200 mm
लंबाई का जो हिस्सा है वो कितना है, 30 mm व्यास का है, और अगले 200 mm वाला जो हिस्सा है वो 20 mm व्यास का है, इसके बाद बाकी जितना बचा हुआ हिस्सा है वो 10 mm व्यास का है। कहने का मतलब क्या है, ये जो 550 mm लंबी रॉड है ये बेयरिंग सेक्शन है, इसका डायमीटर बदल रहा है, ठीक है। कैसे बदल रहा है, पहले जो 200 mm वाला पार्ट है इसका वो दे रखा है 30 mm डाया का, ठीक है। यहाँ डायग्राम आपको दे नहीं रखा, खुद से बनाना होगा, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आपने क्या किया, 30 mm का बना दिया, ठीक है, ये आपने यहाँ पर 30 mm का बना दिया, कितनी लेंथ का दोस्त, ये, ठीक है, ये बना दिया 200 mm का, 200 mm तो इसकी लेंथ हो गई यहाँ से लेके और यहाँ तक, और इसका ये जो डायामीटर है दोस्त, ये वाला डाया वो कितना है, ये 30 mm है, ठीक है, 30 mm। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहला। आगे बोला है, अगला जो 200 mm लंबाई का हिस्सा है वो 20 mm का, ये 30 का था 20 का है, थोड़ा कम कर देंगे इससे, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, लेंथ इतनी रखेंगे सेम, ये मान लिया दूसरा हिस्सा हो गया अगले 200 mm वाला, ये अगला 200 mm का पार्ट हो गया जिसका डायमीटर कितना है इस बार, 30 है, ये वाला जो सॉरी 20 है, ये जो डाया है इस बार कितना है दोस्त, 20 mm है, इतना समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। एंड बाकी जितना बचा हुआ हिस्सा है वो 10 mm व्यास का है, कितना बचा रह गया, 200 200 400 mm, टोटल था 550, तो 150 mm और बचा, 150 mm का और कम है, ठीक है, 150 mm का और कम है यहाँ तक, मान लिया 150 mm वाला पार्ट था ये वाला, यानी कितना था ये, 150 mm यहाँ से और यहाँ तक वाला, सभी को समझ आ रहा है। और इसका जो डाया है ये वाला, ये कितना है दोस्त, ये दे रखा है 10 mm, सभी को समझ आया। इसके अलावा यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है क्वेश्चन, इंग्लिश वाले बच्चों को भी क्लियर होना चाहिए, हिंदी वालों को भी, ठीक है। आगे बोला है क्वेश्चन में क्या, प्रत्येक हिस्से में स्ट्रेस का मान बताइए, मतलब पहला अगर ये मान रखा आपने, इसमें भी स्ट्रेस कितना होगा, दूसरे में स्ट्रेस और तीसरे में स्ट्रेस, तीनों में आपको स्ट्रेस बताना है कितना होगा, प्रतिबल बताना है, ठीक है। स्ट्रेस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या क्या बताना है आपको, सिग्मा 1 बताना है, सिग्मा 2 बताना है और सिग्मा 3, तीनों सेक्शन में सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड इसके अलावा बोला है रॉड का संपूर्ण खिंचाव भी ज्ञात कीजिए, कितना खिंच गई रॉड, इसमें इलोंगेशन कितना हुआ, लंबाई में वृद्धि, यानी हमें टोटल इलोंगेशन भी बताना है, कितना टोटल इलोंगेशन, संपूर्ण खिंचाव ये भी कैलकुलेट करना है। एंड और क्या बोला है, यदि भार 30 किलो न्यूटन का लगा हो, इस पर भार लगा हुआ है लोड 30 किलो न्यूटन का, इधर भी इधर भी, जब खिंचाव पूछा है तो खिंचाव भी लगेगा इसमें, इसकी अक्ष बना लो बीच में से कहीं से यहाँ से, और दोनों तरफ को कितना कितना लगा रखा है दोस्त, 30 किलो न्यूटन, इधर भी 30 किलो न्यूटन और इधर भी आपको 30 किलो न्यूटन का फोर्स लगा देना है, क्लियर हुआ। जहाँ तक ई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁵, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज मुझे क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा जिससे कि मैं सॉल्व कर सकूँ, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², इतना, ठीक है। आगे बी पार्ट और इस क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम स्ट्रेस स्ट्रेन कितना होगा और मिनिमम स्ट्रेन कितना होगा, मतलब ई मैक्सिमम की वैल्यू भी बतानी है आपको एंड ई मिनिमम, ये दोनों वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्या पूछा है क्या दिया है, ठीक है। डायग्राम आपको दिया नहीं जाएगा, खुद से बनाना पड़ेगा, ये यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ से मिटा रहा हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे, समझाने वाली चीज़ थी, मैं समझा चुका आपको, अब इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, और डायग्राम समझना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी था। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में आप सिग्मा 1 निकालेंगे दोस्त, तो आपको फॉर्मूला पता है, सिर्फ आप सिग्मा का याद रखिएगा फॉर्मूला, किसका, सिग्मा का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। पहला, सिग्मा इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो तीनों सेक्शन के लिए सेम ही रहेगा, 30 किलोन्यूटन, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। एरिया तीनों का अलग अलग होगा क्योंकि तीनों का डायामीटर अलग अलग दे रखा है, तो पहला काम हम एरिया ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो पहला एरिया निकाल रहा हूँ मैं, कौन सा, A1। A1 क्या होगा, पाई बाई 4 होता है फॉर्मूला, और पहले का डाया 30 है बेटा, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे, 30 का स्क्वायर, इसको निकालिए कितना आया है। तो यहाँ देखिए शिफ्ट के साथ पाई लाएंगे आप, पाई बाई 4 और इनटू में 30 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 706.85 आ रहा है, 706.85
mm स्क्वायर, ठीक है। दूसरा a2 निकालेंगे, a2 सेकंड एरिया वही पाई बाई फोर, सेम फॉर्मूला। दूसरे का डाया 20 है, 20 का 314 आता है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। शिफ्ट के साथ पाई बाई फोर इंटू में 20 का स्क्वायर 314.15 आ रहा है, 314.15 mm स्क्वायर, ठीक। और a3 निकालेंगे, a3 a3 मतलब 10 का निकाल दीजिए पाई बाई फोर और 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे आप शिफ्ट के साथ पाई बाई फोर इंटू में 10 का स्क्वायर 78.58 इतना mm स्क्वायर हो गया। सभी को समझ आ रहा है दोस्त? तीनों एरिया कैलकुलेट कर लिया, अब तीनों सिग्मा की वैल्यू इजीली निकाल लो। सिग्मा वन निकालेंगे तो एफ अपॉन ए वन कर देंगे, फोर्स तो सेम ही था, तो यहाँ से सिग्मा वन की वैल्यू देखो क्या आएगी। एफ की वैल्यू कितनी है? 30 किलो न्यूटन। मैंने आपको पहले ही बताया न्यूटन करने के लिए, किलो न्यूटन को न्यूटन करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई अपॉन में ए वन बेटा कितना है 76.85। इसको कैलकुलेट कीजिए सिंपली, ऊपर कितना 30,000 है ऊपर, डिवाइड बाई 76.85 तो 42.44 आ रहा है, 42.44 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये पहले में आ गया स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा वन, दूसरा सिग्मा टू निकालना है। अब वैल्यूज आप खुद कैलकुलेट करेंगे, मुझे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू सेम आपको रखनी है, कितनी 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन ए टू की वैल्यू आप निकाल चुके 314.15.15। कैलकुलेट करिए फास्टली, 30,000 डिवाइड बाई 314.15 95.495, तो 50 लिख सकता हूँ इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तीसरा सिग्मा थ्री एफ अपॉन ए थ्री हो जाएगा दोस्त, एफ अपॉन ए थ्री एफ की वैल्यू 30 इंटू 10 की पावर 3 रहेगा, ए थ्री कितना है 78.58। तो इसको कर लीजिए 30 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 30,000 हो गया, डिवाइड बाई कितना है 78.58 381.776, तो 78 भी आप लिख सकते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। सभी को समझ आया इतना? तीनों आपके निकल गए स्ट्रेस में। एक बार स्ट्रेस की वैल्यू चेक कर लूँ क्या क्या आ रही, पहली 42.46 या 44 कोई दिक्कत नहीं, 95.5 ठीक है, अगला 381 ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तीनों स्ट्रेस आ गए। अब इसके बाद आपको निकालना है क्या, डेल्टा एल टोटल निकालना है दोस्त, टोटल, ठीक है। तो आप एक बार इन तीनों स्ट्रेस की वैल्यू को नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। हटा दें इसको या फिर उधर ही निकालेंगे, इधर जगह कम है, ये तीनों स्ट्रेस थे मैंने मिटा रहा हूँ, ठीक, ये तीनों स्ट्रेस की वैल्यू है। अब देखिए आगे क्या निकालना है आपको, टोटल इलोंगेशन, डेल्टा एल टोटल निकालना है, टोटल मतलब यहाँ पर आपके तीन सेक्शन है, तो आपका क्या हो जाएगा डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री, तीनों का ऐड कर देना है। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, एफ एल अपॉन ए ई प्लस में यहाँ भी वही एफ एल अपॉन ए ई प्लस एफ एल अपॉन ए ई। अब देखिए क्या क्या सेम है यहाँ पर, एक तो फोर्स तीनों में सेम है, केवल फोर्स ही सेम है, बाकी सब डिफरेंट है। फोर्स को सेम रखो, लेंथ अलग अलग है, L1, A1, E सेम है, बाकी E भी सेम है, यहाँ L2, A2, L3, A3 जो सेम है उस पर 1, 2, 3 मत लिखना, उसको कॉमन ले लेंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि E की वैल्यू सबके लिए आपको सेम ही दे रखी है, 2×10^5, क्लियर ना। अब यहाँ से F अपॉन A आप निकाल लीजिए कॉमन, F अपॉन E कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया L1 अपॉन A1 प्लस में L2 अपॉन A2 प्लस में L3, L3 अपॉन में A3, क्लियर ना। यहाँ पर सभी वैल्यूज को पुट करना है, आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। रख दें इसकी वैल्यू सभी की, कहाँ रखें, चलिए मैं इधर रख देता हूँ, इनकी भी नीड पड़ेगी, यहाँ लिख देता हूँ एरिया क्या क्या थे। पहले वाला एरिया 706.85 था, दूसरा एरिया 314.15 था, और तीसरा एरिया आपका 78.58 है। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि इधर हम कर सकें इसको, ठीक है। डेल्टा एल टोटल बराबर F की वैल्यू कितनी बेटा, F की वैल्यू 30 किलो न्यूटन है, तो आप 30 इंटू में 10 की पावर 3 कर दीजिएगा अपॉन E की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखिए L1 कितना है 200 mm है, 200 mm अपॉन में A1 कितना था 706.85 प्लस L2 कितना है, L2 भी 200 mm है,
200 mm अपॉन एल टू वाला एरिया, ए टू कितना 314.15 प्लस में एल थ्री कितना है 150, और 10 mm वाले का एरिया कितना था 78.58। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, ईजिली आपका डेल्टा एल निकल आएगा। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर देता हूँ, एक बार ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आप स्टेप वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप 200 डिवाइड बाई कीजिएगा कितना 706.85, ये आ गया आपका 0. मैं इसको भी बाहर वाले को भी लिख देता हूँ, काट सकते हैं आपको 4 पावर कट जाएंगे, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 20 बचेगा सिर्फ, क्योंकि 3 0 1 4 0 कट गया, नीचे 20 बचा, ऊपर 3, ठीक है। अंदर देखिए पहला वाला कितना बचा 0.2829 है, 0.2 मैं दो प्लेस तक लिख रहा हूँ सिंपल, प्लस दूसरा वाला लिखिए 200 और डिवाइड बाई 314.15, 0.636 आ रहा है, तो मैं 0.64 लिख सकता हूँ इसको, प्लस तीसरा वाला देखिए कितना है 150 और डिवाइड बाई 78.58, ये 1.1.90 आ रहा है, 1.908 था तो 91 लिख सकते हैं इसको, ये तीसरी वैल्यू आ गई। इन तीनों को ऐड कर लीजिए कितना कितना 0.28 प्लस में 0.64 प्लस में 1.91, तीनों जितना आया है 2.83/20 था, ब्रैकेट के अंदर आया आपका 2.83। आप 2.83 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू आएगी उसको 20 से डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड, तो 0.4245 mm आया है आपका डेल्टा एल की वैल्यू, ठीक है। आप 42 भी लिख सकते हैं इसको, मैं एक बार चेक कर लूँ डेल्टा एल की वैल्यू, डेल्टा एल टोटल इलोंगेशन 0. कितना आया है ये 0.4245, और बुक में दे रखा है बेटा इसका आंसर 0.84 दे रखा है बुक में, एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन बुक की भी और इसे भी। प्रोसेस आप सभी को समझ आ गया, समथिंग सेम आया, कुछ हो सकता है या तो वेरिएशन होगा कैलकुलेशन में, अब एक बार चेक कर लेना इसकी कैलकुलेशन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस यही रहेगा सेम। बाकी तीन वैल्यू आपकी सिग्मा वाली करेक्ट आई थी, ये वाली, ये जो तीनों वैल्यू सिग्मा की थी दोस्त, ये सब सेम थी, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये बुक से मैच कर रही है पूरी वैल्यूज। डेल्टा एल की आप एक बार कैलकुलेशन देख के चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने 2 तक लिया इसलिए थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, बाकी आपका आंसर बिल्कुल राइट है ये, ठीक है। इसके बाद कितना सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 निकल गया, डेल्टा एल निकल गया, अब आपको मैक्सिमम स्ट्रेन और मिनिमम स्ट्रेन और देखना है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये, इससे आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन निकालना है। अब आप खुद बताइए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, सिग्मा आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं क्या सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई होता है हुक्स लॉ से। यहाँ से आप स्मॉल ई का फॉर्मूला निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन में कैपिटल ई आएगा, समझ पा रहे हैं। अब आपको अगर ई मैक्स निकालना होगा, ई मैक्स ई की वैल्यू कैपिटल ई तो कॉन्स्टेंट है सभी के लिए सेम है, तो सिग्मा मैक्स लेना पड़ेगा आपको, ई मैक्स निकालना तो सिग्मा मैक्स लेना पड़ेगा। अब देखिए आपको ई सिग्मा मैक्स की वैल्यू इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा सिग्मा, यही तो है, इसको रख दीजिए यहाँ पर 381.78, और ई की वैल्यू से इसको डिवाइड कर दीजिए, ई की वैल्यू कितनी है 2×10^5, ठीक है। इसको सॉल्व करिए कितना आ गया ये, तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेन मिल जाएगा 381.78 और डिवाइड बाई 2 और पीछे 50 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये आ रहा है यहाँ से हमारा 1.90×10^-3, इतना आ गया ई मैक्स, यूनिट लेस होगा। अगर आपको दोस्त ई मिनिमम निकालना है, ई मिनिमम तो सिग्मा की वैल्यू भी मिनिमम वाली पुट करेंगे, तीनों में सबसे कम ये वाला है 42.44 और डिवाइड करेंगे आप किससे, ई की वैल्यू से, यानी 2×10^5 से। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है ये 42.44 और 42.44 डिवाइड बाई 2, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ रहा है 2.12×10^-4 ये आ गई ई मिनिमम की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज आपके सामने निकल चुकी हैं और ये वैल्यू आपकी एकदम करेक्ट आ रही हैं, ठीक है। पहली वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर, ये 1 × ये ई की वैल्यू दोस्त, हमने जो ई की वैल्यू ली है ना 2.10^5 ली है, और इन्होंने क्वेश्चन में 1×10^5 थी, इसलिए आंसर में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा था ई की वजह से, बाकी आपके सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पीछे वाला भी डेल्टा एल का आंसर इसलिए सही नहीं आ रहा था बिकॉज क्वेश्चन में ई की वैल्यू दे रखी थी 1×10^5, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर 2×10^5 ले ली थी, बट परेशान नहीं होना, प्रोसेस सेम वही रहेगा,
कैलकुलेशन भी एकदम करेक्ट है हमारी, बुक से मैच ना करने का रीजन क्या है, ई की वैल्यू चेंज थी, ठीक है। तो परेशान नहीं होंगे आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी इस तरह का समझ में आ गया होगा। तो अब इसको रफ करते हैं, ठीक है।